बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ से, वहाँ का दिखाते हैं ना, बहुत ज्यादा भीड़ है। सो गाइस मैंने लिया है हेलो गाइज, जल्दी खोलो, तुम तो अम्मा बन गई हो, जल्दी खोल, अम्मा बन गए हंसते है। गुड मॉर्निंग, रुक जाना झाकी भगवान इधर रे, अम्मा बन गए हंसते तो गा कसम से, दी तीन ठे लड़का वाले दाई से एक दिखता। वेलकम बैक टू माई चैनल अर्चना मार्केट ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज है 14 जनवरी, यानी कि आज मकर संक्रांति नहीं है, कल है मकर संक्रांति, पर आज हेलो जैसे टूट जाता है, चला जाएगा आँख में, नहीं जाएगा ये जो है ना फसलों को पूरा बर्बाद करके रख देता है। देखना इसको ऐसे ही फेंक दो ना, ये लपट जाता है, ये एकदम पूरा पकड़ लेता है, ये जानू कि हमेशा ही रहता है इधर। अपना जल्दी ले जाते हुआ जोहार दोस्तों, आप और आप सभी को पता है कि आज 14 जनवरी है और हम आए हुए हैं अमरकंटक गोडवाना मेला घूमने, क्योंकि मैं बहुत सालों से आई नहीं थी और आई ही नहीं हूँ कभी, मैं ये मेरा पहली बार आना हुआ है, खास करके गोडवाना मेला, बाकी यहाँ पे तो आते रहते हैं हम लोग। और आज हम लोग रात को वहाँ जाने वाले हैं, देखते हैं कैसा कार्यक्रम रहता है। अभी फिलहाल हम लोग मेला के अंदर घुसे नहीं हैं, शाम टाइम जाएंगे और इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ का माहौल क्या है, कैसा है, सब आप लोगों को इस व्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा मेला एक्सप्लोर कराएं और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएं। बस आप लोगों को हमारी वीडियो में बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वैसे भीड़ इतना ज़्यादा है ना कि देख करके मेरा सर चकरा रहा है। आज है 14 जनवरी, यानी कि हमारे दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम जी की जयंती है, उनका जन्म दिवस है, उनको बहुत बहुत सेवा जोहार, उनके चरणों पे नमन अर्पित, जिन्होंने समाज का उत्थान किया और जिनके वजह से, जिनके बदौलत समाज में जागरूकता आई, गोडवाना क्रांति आपको देश के हर एक कोने कोने पे दिखाई देगी। तो गाइज आप लोगों को बने रहना है और हम आपको शाम टाइम कराते हैं गोडवाना मेला एक्सप्लोर, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ तो यार आप लोगों को दिखाना तो बनता है ना। कमेंट भी मेरे पास आया था कि आप लोग आएंगे या नहीं, पर हम लोग अचानक डिसाइड किए और आ गए। सो गाइज हम हो चुके हैं तैयार और अब हम लोग जा रहे हैं गोडवाना मेला तैयार हो करके, बाय ना चला जाते हो। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं हम, कमेंट करके जरूर बताना। मैं भी आना चाहती हूं। हाँ, मैं तो अच्छी लग रही हूँ इसमें, आप लोगों को कोई शक नहीं, शक नहीं। और तो अमरकंटक का मेला तो आप लोगों को पता ही होगा, तो अगर आप लोग हम लोग का व्लॉग देख रहे हो तो आप लोग भी जरूर आइए अमरकंटक घूमने के लिए, क्योंकि अमरकंटक घूमने के लिए बहुत, लेकिन अपने परिधान के साथ आना, क्योंकि अभी जो है गोडवाना मेला लगा हुआ है और हमें अपना संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। अपने फैमिली के साथ आइए पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हो, घूम सकते हो, बहुत सारी क्या कह सकते हैं उसको, हाँ ये थोड़ी सांस्कृतिक पारंपरिक एंड सॉरी क्योंकि बस कर एक काम करो, वंडर ऑफ साइंस ही सुना दो, ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट आई एम भूल गई, देख रहे हो वंडर ऑफ साइंस बोल रही हूँ तो एप्लीकेशन सुना रही है, चलो पढ़े लिखे नहीं है। और खैर आप लोग बने रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
वैसे आप लोग कमेंट में ये बता दो कि हम कैसे लग रहे हैं। हम लोगों ने एक मिनट पहले आप लोगों का हमारे लुक का लुक देखना पड़ेगा ना यार, अपन लुक का पहले तो वाला हमारा लुक देख लेना पड़ेगा और बाद फिर कमेंट में बताओ कि हम दिखते कैसे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जानवर बोल रही हो बदतमीज। ड्राइवर सही मिल गया इसलिए टाइम टाइम पे ढोने को मिल जा रहा है। जाओ हाओ सभी लोग मेला की ओर जाते हुए नहा कर खा कर जा रही हूं, इधर ही जा रही हूं। और कांचीर कतला बांध ला सबन छोटी मत है बताओ। सो गाइस हम आए हुए हैं अभी नर्मदा के किनारे यानी कि सब्जी मंडी अमरकंटक का। जानू लोग ले रहे हैं, मुझे भूख लग गई, खाओगे कुछ? भगवान जानू ये खाओ, देख रही हूँ मैं। गाइस हम फुल्की खाओ, तुम खाओ कहे जाओ। बहुत ज्यादा भीड़ है, वहाँ का दिखाते हैं ना, बहुत ज्यादा भीड़ है और लगातार अभी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर से यहाँ पे आए उसके बाद हम पूरा एक्सप्लोर कराते हैं। सम्मेलन जब हुआ और गुण जनजाति से अध्यक्ष बनाए गए और अभी पांचवी बार गुण समुदाय का अध्यक्ष सत्ताधारी देश इतना भयंकर आज भी वीरेंद्र कुमार गुण। वैसे मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को जो यहाँ पे हमारा जो परिधान है उन सारी चीजों को दिखाऊं, वो दुकान लगी हुई है पर इतना ज्यादा भीड़ है ना, मैं थक गई हूँ। और उन्होंने उपाध्यक्ष का पद का उपयोग किया। अगर वो मेरे पास आया है और कहा है कि हमारी जमीन बेदखली में है, आपको न्याय नहीं मिला, तुम्हें न्याय दिलाने के लिए ढूंढ जाना कहाँ चाहूंगी मैं। आपको बताया
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप भी यहाँ पे आके ले सकते हो क्योंकि आपको यहाँ अपने परिधान से लेकर आपको हर एक चीज मिल जाएगा, हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पे। गाइस 8 बज चुके हैं और हम लोग घर पहुंच गए हैं। बहुत ज्यादा ठंडी लगती है भाई, इधर पता नहीं लोग कैसे पंडाल में इतनी ठंडी में बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे जगह तक नहीं है हाथ पैर फैला के सो सके, इतनी ठंडी है वहाँ पे, फिर भी लोग बैठे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम बीच बीच में होता है तो थोड़ी मनोरंजन हो जाता है, बाकी ठंडी बहुत है अमरकंटक में, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। आज ही तापथान घर सीमा और आलू चटनी है, धनपति टमाटर की सब्जी है, दाल इतना सारा भात दे दिए हैं। इतना अच्छा लग रहा है यार। हाँ प्याज जी नहीं